आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रीड द ईसीजी के पांचवें स्टेप के बारे में, जिसका नाम है पीआर इंटरवल। राइट, बेसिकली पीआर इंटरवल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हार्ट की कंडक्शन सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि हार्ट के अंदर इम्पल्स का ट्रेवल कैसे होता। राइट, तो हमें यह भी पता है कि हार्ट के अंदर जो इम्पल्स जनरेट करता है, जो जनरेटर होता है, वो हमारा एस ए नोड होता। एस ए नोड से इम्पल्स ट्रेवल करता है एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफिस, और बंडल ऑफिस से राइट बंडल ऑफिस और लेफ्ट बंडल ऑफिस, वहाँ से फिर वो ट्रेवल करता है पुरकेंजी फाइबर। राइट, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल होता है और हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे हार्ट को डिपोलराइज करते हैं। राइट, तो बेसिकली हमें ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। और एवी नोड की अगर बात करते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसी को बोलते हैं जंक्शनल नोड बोलते हैं, क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में होता है, इसीलिए इसे बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड और जंक्शनल नोड बोलते हैं। राइट, तो जो भी ऐसे नोड से जो इम्पल्स ट्रेवल करता है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी एट्रिया हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पी वेव जनरेट करता है। अब वो हमारे इम्पल्स जब ट्रेवल होकर आता है पीआर इंटरवल, या कह सकते हैं कि जंक्शनल नोड पे जो वो ट्रेवल करके आता है, तो वहाँ पे कुछ सेकंड के लिए वो स्टे करता है। और वो नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है, 0.12 से 0.2 सेकंड, इन्हीं के बीच में क्या करता है, वो वहाँ पे स्टे करता है। देन वहाँ पे वो अपने आगे ट्रेवल के लिए फिर रवाना हो जाता है। राइट, आगे फिर वो चला जाता है वेंट्रिकल को डिपोलराइज करने के लिए। राइट, तो बेसिकली अगर ये नॉर्मल कंडीशन हो रहा तो ऐसा होगा, लेकिन अगर हार्ट के अंदर कोई अबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है, उसके कंडक्शन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या कह सकते हैं कि उसके पीआर इंटरवल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या कह सकते हैं कि उसके जंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या हम कह सकते हैं कि उसके एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। राइट, जिससे क्या होता है, यहाँ पे दो कंडीशन देखने को मिल रहा, एक तो ये होता है कि डिले होना, दूसरा होता है कि फास्ट होना। राइट, अब अगर उसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 0.12 से 0.2 सेकंड होता, अगर 0.12 सेकंड से अगर कम वहाँ पे वो रुकता है तो उसे बोलेंगे फास्ट, और अगर 0.2 से अगर ज़्यादा होता है, ज़्यादा टाइम वहाँ पे लेता रुकने के लिए, तो उसे बोलेंगे डिले होना। तो अगर यहाँ पे दो कंडीशन दिखाया गया कि अगर पेयर इंटरवल उसका 0.2 सेकंड से अगर इंक्रीज़ कर जाता, वहाँ पे डिले हो रहा, तो पेशेंट को बोलेंगे हार्ट ब्लॉक हो चुका है। राइट, उसके कंडक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम आ चुकी है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर उसका पीआर इंटरवल, राइट, और अगर पीआर इंटरवल 0.12 सेकंड से अगर डिक्रीज कर जाता है, तो पेशेंट को एक कंडीशन होता है WPW सिंड्रोम। तो ऐसे पेशेंट को के अंदर हमें WPW सिंड्रोम देखने को मिलता है। राइट, बेसिकली वुल पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम एक साइंटिस्ट हैं, उन्हीं की बेसिस पे इनका नाम रखा गया है, या इस डिज़ीज़ का नाम रखा गया है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में WPW सिंड्रोम भी कह सकते हैं। राइट, अब हम पीआर इंटरवल के अंदर जो एबनॉर्मलिटीज़ अभी हमने पढ़ा है उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, पहला हमने क्या पढ़ा, हार्ट ब्लॉक, दूसरा हमने पढ़ा वुल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम। राइट, अब हमें वुल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम के बारे में हम ECG में कैसे डायग्नोज करें पेशेंट की ECG में कि वो उसको WPW सिंड्रोम हो चुका है। तो इसके लिए बेसिक क्राइटेरिया ये होता है कि डेल्टा वेव प्रेजेंट होना चाहिए, दूसरा ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, और तीसरा है कि पीआर इंटरवल उसका डिक्रीज होना चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया अगर वहाँ पे मिल रहा है, ये तीनों चीज़ें अगर वहाँ पे मिल रही है ECG पेपर पे, तो उसे बोलेंगे WPW सिंड्रोम हुआ पेशेंट को। राइट, दूसरा चीज़ जो हमारा है, दूसरी कंडीशन जो हमारी है, वो हार्ट ब्लॉक है। बेसिकली हार्ट ब्लॉक की तीन टाइप्स हमारे होते हैं, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता मोबिट्स फर्स्ट, दूसरा होता मोबिट्स सेकंड होता, तीसरा जो हमारा होता है वो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। राइट, बेसिकली हमारा जो मकसद है वो ये है कि ECG पेपर पे हम हार्ट ब्लॉक को कैसे रीड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे हम बोल देते हैं कि पेशेंट को फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हुआ, या सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो, या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो। राइट, तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। राइट, जिसमें पहला जो हमारा है वो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। राइट, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक को देखने के लिए हमें ECG पे दो चीज़ें देखनी होती है। राइट, सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि हमें उसके पीआर इंटरवल को देखना होता है कि पीआर इंटरवल उसका 0.2 सेकंड से ज़्यादा है या नहीं है। दूसरा स्टेप हमें ये देखना है कि क्या वो पीआर इंटरवल कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रहा कि नहीं इंक्रीज़ कर रहा, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ कर रहा या नहीं इंक्रीज़ कर रहा।
अगर वहाँ पे कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, प्रोग्रेसिवली अगर इंक्रीज कर रहा है, तो उसे बोलेंगे फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रिप दिखाई गई है, PQRST का एक स्ट्रिप दिखाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि पीआर इंटरवल नॉर्मल जो हमारा 0.12 से 0.2 सेकंड, अगर 0.2 सेकंड से अगर ज़्यादा आता है तो उसे बोलेंगे हार्ट ब्लॉक। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया कि 0.22 सेकंड, फिर उसके बाद 0.24 सेकंड, फिर 0.26 सेकंड। तो यहाँ पे हमने देखा कि कॉन्टीन्यूसली जो है उसका पीयर इंटरवल जो है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। अगर हमें इस टाइप की कंडीशन अगर ECG पेपर पे अगर दिखता है तो ऐसे पेशेंट को हम बोलेंगे कि इसको फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हुआ है, राइट। तो ये हमारा बेसिकली एक सिंपल मेथड हमारा होता है, सिंपल तरीका हमारा होता है कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक को हम कैसे पहचानें, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरे हार्ट ब्लॉक पे या सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की, मोबिट्स फर्स्ट, राइट। इसमें बेसिकली दो चीज़ें इसमें भी में ध्यान में रखना होता है, एक होता है हमारा पीयर इंटरवल, दूसरा जो हमारा होता है वो होता है ड्रॉप QRS कॉम्प्लेक्स कि अगर, राइट। तो अगर हमें ECG पेपर पे पीयर इंटरवल अगर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करता हुआ अगर दिख रहा है और साथ में साथ QRS कॉम्प्लेक्स ड्रॉप है तो उसे बोलेंगे सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का मोबिट्स फर्स्ट, राइट। कहने का मतलब ये है कि पी वेव वहाँ पे बनेगा बट QRS कॉम्प्लेक्स वहाँ पे नहीं बनेगा, राइट। उसके बाद टी वेव बन जाएगा। तो इस टाइप्स की जो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, इस टाइप के जो कंडीशन होते हैं, अगर ऐसा पेपर पे दिखता है तो उसे बोलेंगे सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक और मोबिट्स फर्स्ट बोलेंगे। इसको एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला एग्जांपल है जिसमें आप देख रहे हो कि स्ट्रिप को दिखाई गई है PQRST और इसमें उसका पीआर इंटरवल जो है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ कर रहा है, 0.22 सेकंड यहाँ पे है, उसके बाद 0.26 हो गया, ऐसे ऐसे इंक्रीज़ करता जा रहा है और बीच में क्या होता है कि QRS कॉम्प्लेक्स ड्रॉप कर गया, जहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं ये QRS कॉम्प्लेक्स ड्रॉप करता हुआ दिख रहा है। और अगर हमें ECG पेपर पे इस टाइप की कंडीशन अगर दिख रहा है तो उसे बोलेंगे मोबिट्स फर्स्ट, राइट। अब हम बात करते हैं सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के मोबिट्स सेकंड के बारे में, राइट। यहाँ पे हमें दो चीज़ें का ध्यान देना होता है, एक होता है पीयर इंटरवल इंक्रीज़ होना चाहिए, मतलब 0.2 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए बट स्टेबल होना चाहिए, राइट। मतलब 0.2 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए, जैसे 0. यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन 0.21, फिर ऐसे ऐसे जितना भी पीयर इंटरवल होगा वो 0.21 या मान लो 0.22 या 0.22। तो हर एक पीयर इंटरवल जो हमारा एक स्ट्रिप के अंदर जितने भी पीयर इंटरवल हमारे होंगे वो पीयर इंटरवल हमारे स्टेबल होंगे, राइट। बट QRS कॉम्प्लेक्स वहाँ पे भी ड्रॉप करता हुआ दिखेगा। तो अगर हमें इस टाइप की कंडीशन अगर ECG पेपर पे दिख रहा है कि पीआर इंटरवल उसका इंक्रीज़ कर रहा है बट स्टेबल है और साथ में साथ QRS कॉम्प्लेक्स उसका ड्रॉप है, अगर इस टाइप की कंडीशन ECG पेपर पे अगर दिखता है तो उसे बोलेंगे सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का मोबिट्स सेकंड टाइप, राइट। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रिप को दिखाया गया है जिसमें बेसिकली PQRST का पैटर्न शो हो रहा है यहाँ पे, बट आप यहाँ पे देख रहे हो पीआर इंटरवल यहाँ पे मोर देन 0.21 सेकंड है, फिर उसके बाद PQRST के बाद टी वेव बना, उसके बाद पी वेव बना, फिर उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ड्रॉप कर गया, राइट। क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं, मतलब QRS कॉम्प्लेक्स वहाँ पे नहीं है, फिर टी वेव बन गया, फिर उसके बाद पी वेव बना, फिर पीआर इंटरवल हमारा 0.21 है, 0.2 मैंने स्टार्टिंग में भी देखा, अभी भी 0.21 है, तो स्टेबल है। तो अगर इस टाइप की कंडीशन अगर हमें दिख रहा है तो उसे बोलेंगे मोबिट्स सेकंड टाइप। अब हम बात करते हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक की, राइट। इसमें क्या होता है कि हमारा AV नोड पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, मतलब एट्रिया से जो इम्पल्स आता है वो वेंट्रिकल तक नहीं पहुँच पाता, वो सिर्फ AV नोड तक ही रहता है क्योंकि वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। एक दो अगर वहाँ से चला आता है वेंट्रिकल्स के अंदर तो वेंट्रिकल को डिपोलराइज कर देता है, राइट। लेकिन अगर ये कंडीशन अगर होता है तो उसे बोलेंगे थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, मतलब वहाँ पे कोई कंडक्शन नहीं हो रहा, राइट। मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, राइट। तो अगर ऐसी कंडीशन अगर हमें दिख रहा है कि मल्टीपल नंबर ऑफ पी वेव वहाँ पे है और उसमें से एक पी वेव QRS कॉम्प्लेक्स को फॉलो कर रहा है तो उसे बोलेंगे थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। जैसा आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हो कि यहाँ पे पी पी बना, उसमें से पी वेव दूसरा पी वेव वो QRS कॉम्प्लेक्स को फॉलो किया, उसके बाद टी वेव बना, फिर उसके बाद टी वेव पी वेव के साथ मर्ज है, फिर पी वेव, फिर पी वेव, फिर QRS कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद फिर टी वेव और पी वेव उसी में फिर मर्ज है, फिर पी 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 बना हुआ।
तो अगर हमें इस टाइप्स के अगर स्ट्रिप ईसीजी पेपर पे अगर दिख रहा है तो इसे बोलेंगे थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलेंगे, राइट?